हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और घर पर रह रहे होंगे और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि ये मेकअप लुक मैंने विदाउट आई शेडो पैलेट और ब्लशर पैलेट के बिना और लिपस्टिक के बिना क्रिएट किया है, तो आप लोग बिलीव करोगे मेरी बात पर? नहीं करोगे ना। और अगर मैं कहूँ कि ये मेकअप लुक जो मैंने क्रिएट किया है वो ओनली 20 रुपीज़ में मैंने ये क्रिएट किया है, तो आप बिलीव करोगे? नहीं ना। तो ये बिलीव करने के लिए आपको वीडियो को एंड तक ही देखना होगा कि मैंने इतना अफोर्डेबल मेकअप और कितने अच्छे तरीके से कैसे अचीव किया। ये मेकअप लुक मैंने उन लोगों को ध्यान में रखते हुए क्रिएट किया है जो लोग सारा मेकअप का सामान अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मेकअप करने का बड़ा शौक है और वो चाहते हैं कि वो कहीं जाए तो अच्छा मेकअप करके जाए, लेकिन उनके पास इतना सारा मेकअप का प्रोडक्ट नहीं होता है जिसकी वजह से वो लोग ये सारी चीज़ नहीं कर पाते। तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए कैसी लगती है वीडियो। अगर हेल्पफुल लगती, वाकई आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं आपकी किसी तरीके से हेल्प कर पाई हूँ, तो वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस देख सकते हैं आप, मैंने अपना फेस जो है वो पहले से ही प्राइम कर लिया है, बेस तैयार कर लिया है अपने फेस पर। आपके पास जो भी प्रोडक्ट हो आप वो यूज़ कर सकते हो। मेरे पास दो ऑप्शन थे, मेबलिन और ओलिविया का फाउंडेशन। ओलिविया का बहुत अफोर्डेबल फाउंडेशन है, 100 रुपीज़ में मिल जाता है। मैंने मेबलिन से अपना फेस का जो बेस है वो तैयार किया है। आप चाहें तो आप फेयर एंड लवली का बेबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत से ब्रांड्स हैं। और ये 20 रुपये का मिल जाता है इजीली मार्केट में। ये है लिप बाम, आप लोग देख के समझ ही गए होंगे, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। अब मैं इसे अपने फिंगर्स पे लेके अपनी आईज़ के ऊपर इसको प्लेस करने वाली हूँ। देख सकते हैं आप मैं किस तरीके से, मैं यहाँ बिना ब्रश के ही सारा मेकअप कम्प्लीट कर लूँगी, ब्रश की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। देख सकते हैं आप, और बहुत अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है। 20 रुपीज़ में आपको ये लिप बाम आपके लोकल मार्केट में, आप किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी जगह रहते हो, तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आपके पास किसी शेड की लिपस्टिक है, रेड लिपस्टिक ऐसी कुछ या पिंक, तो आप उससे भी क्रिएट कर सकते हो। रेड वाले से अगर आप करेंगे, रेड लिपस्टिक से ये सारा मेकअप लुक तैयार, तो और भी अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा लुक निकल करके आएगा। बस आपको ट्रिक आनी चाहिए कितना क्या यूज़ करना है। देख सकते हैं मैंने अपनी दूसरी आईज पर भी इसको स्प्रेड कर लिया है। अभी ये काफ़ी स्टिकी लग रहा होगा और हार्श दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ फेस पाउडर, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अगर आपके पास फेस पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप जो वाइट वाला जो पाउडर आता है पॉन्ड्स वगैरह का, तो आप वो भी थोड़ा सा लेकर के यूज़ कर सकते हैं। बस उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखिएगा, क्योंकि वो वाइट आता है तो इसका कलर को एकदम ज़्यादा ही लाइट ना कर दे। और मैं जो यहाँ पर NYB का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो मैं उसी से इसको मैटिफाइंग कर रही हूँ। ये इसेंशियल स्टेप है। अगर आप थोड़े से ड्यूई अगर आइस क्रिएट करके उसको मेंटेन कर सकते हो तो उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप कैरी नहीं कर सकते हो तो उसको मैटिफाई कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। लिप्स के लिए भी मैं सेम इस लिप बाम को यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसको सटल रखा है, ज़्यादा ओवर नहीं किया है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी इस तरह का लिप बाम यूज़ कर सकते हैं अपने लिप्स पर, ना कि अपनी आईज़ और अपने चिक्स पर। अब मैं अपने ब्लश लगाने के लिए मैं यहाँ पर इसी लिप बाम स्टिक का उपयोग कर रही हूँ, और मैं थोड़ा थोड़ा करके ही लगाऊंगी। एकदम से आपने पूरा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके आप लगाते जाएंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग। आप देखते जाइए आपको कितना चाहिए। ओवर अगर आप करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। देख सकते हैं आप जिस साइड मैंने लगाया है ब्लश वहाँ कितना अच्छा लग रहा है, और जिधर साइड नहीं लगाया था वो एकदम फ्लैट लग रहा था। अब मैं अपने दूसरे चिक पर भी इस ब्लश को अप्लाई कर लूँगी, यानी कि इस लिप बाम स्टिक से मैं ब्लश को भी अप्लाई कर लूँगी। और बिल्कुल नेचुरल लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये पूरा मेकअप लुक किसी लिप बाम स्टिक से क्रिएट हुआ है। ये बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप करना चाहें, अगर आपके पास हाइलाइटर हो तो ही आप कीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे पास अवेलेबल था तो मैं यहाँ पर इसे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये स्टेप को स्किप कर सकते हैं, बट मेरे पास ये था तो मैंने इसे यूज़ कर लिया। और मैंने जो यूज़ किया ये है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर,
जो कि काफ़ी अच्छा वाला हाइलाइटर है। बट मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो मेकअप रेवोल्यूशन का है, क्योंकि मेरी स्किन टोन पे ज़्यादा अच्छे तरीके से वही जाता है। ये वाला मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, जब किसी खास मेकअप यू नो क्रिएट करती हूँ तो उसमें ही मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। और मेरे रेगुलर गुड टू गो के लिए मेरा मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर बहुत अच्छा है। ये अब मैं यहाँ पर कोल लगा रही हूँ काजल, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप पसंद करते हैं काजल लगाना तो आप लगा सकते हैं, आपके पास जो भी कंपनी जो भी ब्रांड का काजल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर्पल का मेरा फेवरेट काजल है तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो ठीक, अगर ना भी लगाना चाहें तो भी ठीक। अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।